काला हिरण मामला सोनाली सैफ नीलम और तबू समेत इन सितारों को जोधपुर हाई कोर्ट ने भेजा नोटिस। 21 साल पुराने काला हिरण शिकार मामले ब्लैक बक पोचिंग केस से जुड़ी एक अहम खबर सामने आ रही है। इस मामले में सोनाली बेंद्रे, सैफ अली खान, नीलम कोठारी और तबू की एक बार फिर मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। खबरों की माने तो जोधपुर हाई कोर्ट ने इन सितारे को फिर से नोटिस भेजा है। आपको बता दें कि पिछले साल इस केस में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई थी। साथ ही सैफ, तबू, नीलम, सोनाली और दुष्यंत सिंह को बरी कर दिया गया था। इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में अपील की थी। तत्कालीन राज्य सरकार ने आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए सोमवार को हाई कोर्ट ने सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम कोठारी, तबू और दुष्यंत सिंह, सलमान का सहायक को नोटिस जारी किया है। पूरा मामला 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान काले हिरण के अवैध शिकार का है, जब सलमान ने काले हिरण का शिकार किया था। काला हिरण एक लुप्त प्राय प्रजाति है और भारतीय वन्य जीव अधिनियम के अनुसूची 1 के तहत सुरक्षित किया गया है। इस केस में सैफ, तबू, नीलम व सोनाली बेंद्रे पर सलमान खान को उकसाने का आरोप लगा था। मामले की सुनवाई जोधपुर हाई कोर्ट में चल रही है।